प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ज्यादातर बच्चों ने कितनों ने वोट किया है और ज्यादातर बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है, फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद में फाइनल स्कोर क्या बन रहा है। तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ बता। नमस्कार दोस्तों, सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज हमारी वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो भी आपके डाउट थे, जो भी आपने कमेंट किए थे कि सर ज्यादातर बच्चों का फाइनल स्कोर क्या आ रहा है, तो दोस्तों मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बताऊंगा और फिजिकल के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलता हूँ मेरे सीधे टॉपिक के ऊपर। ज्यादातर बच्चों ने कितनों ने वोट किया है और ज्यादातर बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है, फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद में फाइनल स्कोर क्या बन रहा है, तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो मैं आज दोस्तों आपको बताने वाला हूं फाइनल स्कोर। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर कम्युनिटी टैब में मैंने वोट करवाया था, उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर लगा दिया है। इस स्क्रीनशॉट को आप पढ़ सकते हो। इस स्क्रीनशॉट के अंदर दोस्तों आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे मैंने पूछा था कि 65 प्लस कौन कौन से, कितने बच्चों के 65 प्लस आ रहे हैं और कितने बच्चों के 65 से कम है, ठीक है, 65 से कम है। तो मैं आपको बता दूं लगभग दोस्तों 60% बच्चों के तो क्या है दोस्तों, 60% के तो है 65 से कम और 40% के कितने हैं दोस्तों, 40% के हैं 65 से ज्यादा। हम दोस्तों मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूं कि ज्यादातर बच्चों का स्कोर है वो क्या है दोस्तों, 65 से नीचे है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में 65 से नीचे है, मतलब कि 65 से प्लस 65 प्लस सिर्फ 40% 40 या 42% लोग क्या है 65 प्लस है और 65 से कम है लगभग दोस्तों 60% लोग 65 से नीचे है। तो मैंने आपको फाइनली दोस्तों ये बता दिया। आगे दोस्तों में एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसके अंदर दोस्तों मैं क्या बताऊंगा, उसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं। इसमें दोस्तों ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके कितने नंबर होंगे 50 से भी नीचे होंगे, 55 से भी नीचे होंगे, तो उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैं सीधे चलता हूं कट ऑफ के ऊपर। इन आंकड़ों के हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, मुझे कमेंट भी कर रहे थे बच्चे कि मेरे दोस्तों 1 नंबर या 2 नंबर ज्यादा है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा डाउट है। तो मैंने दोस्तों पहले भी बता दिया था और अब भी बता देता हूं, सिर्फ मेरा एक जवाब है, यदि 1 नंबर भी ज्यादा है तब भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। गई बार के आंकड़े उठाकर देख लेना, गई बार का रिकॉर्ड क्या रहा था, गई बार का रिकॉर्ड ये रहा था बच्चों पे फिजिकली नहीं हुआ, बच्चों पे रनिंग ही नहीं हुई, बच्चों पे ऊंची कूद ही नहीं हुई। यदि दोस्तों आप एक बार फिजिकल के अंदर फेल हो तो क्लियर फेल हो, घर आ जाओगे सीधे, और यदि फिजिकल में पास हो तो लास्ट मेरिट तक बैठोगे, ठीक है, लास्ट मेरिट तक बैठोगे, इसलिए बोल रहा हूं फिजिकल की शानदार तैयारी करो। यदि 1 नंबर भी ज्यादा है तब भी आपको शानदार फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ा वो दोस्तों मौका है ना, वो फीमेल के पास है। क्या है दोस्तों, फीमेल के पास सबसे बड़ा मौका है, फीमेल पे ज्यादातर पे रनिंग नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है फिजिकल कब होने वाला है, फिजिकल होने वाला है गर्मियों में, मई के महीने में फिजिकल होने वाला है, और मई में शानदार तरीके से धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ज्यादातर फीमेल पे फिजिकल नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूं 1 नंबर 2 नंबर जितने भी आपके ज्यादा है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अभी कोई कुछ नहीं बता सकता, फिजिकल के बाद में फिर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं फाइनल कट ऑफ का, लेकिन अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिनके 65 से प्लस नंबर है ना, 65 प्लस नंबर, वो बच्चों पे फिजिकल नहीं होगा। क्यों दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है उसका क्या होता है, फिजिकल थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए बोल रहा हूं फिजिकल की तैयारी करो। सबको पता होगा दोस्तों फिजिकल कब से है आपके, आपके फिजिकल 27 कब से है, 27 अप्रैल से है और मई तक चलने वाला है, 20 से 21 मई तक चलने वाला है। आगे चलता हूं डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो, एक वीडियो अलग लेकर आऊंगा, उसमें आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आपने मुझे कमेंट किया था कि फाइनल स्कोर बच्चों का क्या है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो मैं अभी बता देता हूं फाइनल स्कोर दोस्तों ज्यादातर बच्चों का, जो मैंने दोस्तों क्या करवाया था, वोटिंग करवाई थी, उसमें 65 प्लस तो लगभग 40-42% लोग तो 65 प्लस हैं और 65 से कम है 60% लोग, कितने 60% लोग 65 से नीचे हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं ज़्यादातर बच्चों का स्कोर वो 65 से नीचे ही है, ठीक है, 65 से नीचे है। इसमें ऐसे भी है दोस्तों जो बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन दोस्तों हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते झूठ कौन बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, लेकिन जो आपने दोस्तों वोट किया था वो मैंने आपको बता दिया। कितने बच्चों ने वोटिंग की थी, ऐसे तो बताऊंगा नहीं, 10-15 लाख बच्चों ने वोटिंग
वोटिंग की है मेरे चैनल पे आके दोस्तों 1000, ठीक है 1000 बच्चों की दोस्तों वोटिंग हुई थी, उसमें ये पता डिस्कस निकला है कि 65 प्लस तो है 40 से 42% और 65 से कम है लगभग 60%। तो दोस्तों मैंने जो भी आपके डाउट थे उनका जवाब दे दिया है। इनके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।